और खबर इजराइल पर यमन से हुए बड़े हमले को लेकर भी है। हुती ने कहा किया हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, अमेरिकी डिफेंस को किसने बताया नाकाम, जानने के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। इसराइल पर प्रॉक्सी अटैक से मिडल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। आज यमन से तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले हुए। हुती का दावा है कि इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए उसकी मिसाइल कैफर डैनियल के पास गिरी। हुती ने इसे बड़ी सफलता माना है। हुती के मिसाइल अटैक से सेंट्रल इसराइल में हड़कंप मच गया। धमाके की गूंज और कई जगहों पर आग की लपटें दिखाई दी। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों के खुले इलाके में गिरने से कम नुकसान होने का दावा है। IDF ने हमलों का असर बताया है। हुती ने पहली बार सेंट्रल इसराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। अभी तक ऐसे हमले सिर्फ दक्षिण इसराइल में देखे गए थे। IDF के मुताबिक दक्षिण इसराइल में यमन से आज भी कई ड्रोन दागे गए, लेकिन टारगेट से पहले ही वो तबाह कर दिया गया। यमन से सेंट्रल इसराइल पर 2000 किलोमीटर दूर से हमला हुआ। हुती की मिसाइल पूरे लाल सागर को पार कर इसराइल में गिरी। तेल अवीव से करीब 30 किलोमीटर दूर एक मिसाइल कैफर डैनियल में गिरी। हुती का दावा है कि रेड सी में मौजूद अमेरिकी एयर डिफेंस को भी इसकी भनक नहीं लगी। हुती के मिसाइल अटैक से तेल अवीव में भारी दहशत है। लेबनानी मीडिया के दावे के मुताबिक हुती की एक मिसाइल तेल अवीव के रेलवे स्टेशन के पास गिरी, जिससे बड़े इलाके में आग लग गई। हमले के बाद पूरा इलाका अलर्ट सायरन से गूंज उठा। सायरन की आवाज सुनी आपने? हुती के मिसाइल अटैक के बाद पूरे तेल अवीव में इसी तरह एयर रेड अलर्ट रहा। तेल अवीव से सटे दूसरे शहरों में भी हुती के हमले को लेकर एयर अलर्ट कर दिया गया। लोगों से बम शेल्टर्स में जाने की अपील की है। इसराइल पर हमले को लेकर यमन मीडिया पर बड़ा दावा किया गया, जिसके मुताबिक इसराइल के आयरन डोम हुती के बैलिस्टिक अटैक को रोकने में नाकाम रहे। दावा है कि IDF ने हमले को रोकने के लिए 22 आयरन डोम मिसाइलें लॉन्च की, लेकिन सभी नाकाम रहे। सेंट्रल इसराइल पर अटैक के बाद हुती के हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिका भी आ गया है। पहली बार जून में हुती ने हाइपरसोनिक मिसाइल हासिल करने का दावा किया था, तब सबने इसे प्रोपेगेंडा माना था। ईरान से हुती को मिसाइल मिलने की आशंका है। तेल अवीव पर हमले के बाद हुती ने इसराइल और अमेरिका को गंभीर अंजाम की चेतावनी दी। यमन के रक्षा मंत्री ने कहा कि समंदर के बाद अब जमीन पर हराएंगे। हुती से टक्कर लिया है तो अब बर्बाद होने के लिए तैयार रहें।